हाँ मंगनी साहब, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नाउ आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सो सॉरी कि लास्ट कुछ दिनों से मेरे चैनल पे कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था बिकॉज हमारे फैमिली रिलेशंस में किसी की डेथ हो गई थी। सो उस वजह से हमने राखी सेलिब्रेट नहीं की थी बिकॉज राखी से दो दिन पहले वो एक्सपायर हुए थे। सो इस वजह से मैंने कोई भी ब्लॉग बनाया नहीं राखी पे। सून की राखी बांधी थी अंकित को, बस उसके अलावा कोई खास सेलिब्रेशन था नहीं उस टाइम पे कि मैं ब्लॉग कर पाऊँ। एंड उसके अलावा भी मैंने ऐसा कोई वीडियो शूट नहीं किया था जो मैं अपलोड कर पाऊँ। सो इस वजह से ये ऑलमोस्ट वन वीक का गैप आ गया चैनल पे। सो सॉरी फॉर दैट। नाउ आज की बात करें तो वैसे तो कुछ खास रूटीन था नहीं आज, बट देन हम बातें कर रहे थे। सो आज है डैडी की छुट्टी एंड मुझे यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट वन मंथ प्लस हो चुका है। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं मुंबई आई हूँ और मैं यहाँ पे मार्केट में शॉपिंग नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज आई लव शॉपिंग और मैं रुकती ही नहीं हूँ घर पे। मतलब जब मैं यहाँ आती हूँ मैं मार्केट में बहुत ज़्यादा जाती हूँ शॉपिंग के लिए। बट दिस टाइम बिकॉज मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ एंड भव्या काफ़ी छोटी है, सो मैं बहुत कम घर से बाहर निकल रही हूँ। जितना हो सक रहा है मैं अवॉइड कर रही हूँ। मम्मी डैडी ही जा रहे हैं शॉपिंग पे एंड जो भी हो रहा है वो ही लेकर आ रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही हूँ। इस बार आज डैडी ने कहा कि चलो एक बार चल के आओ, देख के आओ, अगर भव्या के लिए कुछ पसंद आ जाते हैं कपड़े या मुझे खुद के लिए कुछ अच्छा लगता है तो मैं लेकर आऊंगी। सो देखते हैं, काफी टाइम हो गया है, क्या कलेक्शन है, क्या कुछ मुझे पसंद आता है अगर, तो मैं लेकर आऊंगी और जो भी होगा वो मैं आपसे आने के बाद में शेयर करूंगी। सो मैं मिलती हूँ आपसे मार्केट से आने के बाद में। ओके, सो शेयर करती हूँ आपसे मैं मार्केट से क्या क्या लेकर आई हूँ। नाउ सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपने ही ड्रेस से। एक पीस मैंने अपने लिए भी लिया है। इस बार जो मेरे काकोसा का बेटा है राहुल, वो पुणे रहता है एंड इस बार वो राखी पे आया था। सो उसने मुझे गिफ्ट की है ये बहुत ही प्रिटी फुलकारी का दुपट्टा। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा सुंदर है ये। मुझे पर्सनली फुलकारी बहुत ज्यादा पसंद है, फुलकारी के सूट, फुलकारी का दुपट्टा एंड ऑल। सो मैंने उससे कहा था, वो चंडीगढ़ गया था तो वो वहां से लेकर आया था मेरे लिए। एंड ये बहुत ही प्रिटी दुपट्टा है। एज यू कैन सी इसमें लेस लगी हुई है कॉर्नर में एंड सो ये मल्टी कलर का दुपट्टा है एंड मुझे ये पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे देखते ही बहुत अच्छा लगा था एंड इसपे मैं सिलवाने वाली हूँ सूट। सो मुझे इस पे चाहिए था एक प्लेन कलर का सूट बिकॉज इसमें काफी ज्यादा कलर्स हैं और इसमें प्रिंटेड सूट या ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता। इनपे मैंने काफी पंजाबी लेडीज को देखा है कि प्लेन सूट पहनते हैं वो और वो बहुत सोबर लगता है। सो मैं इसको टिपिकल पंजाबी स्टाइल में सिलवाने वाली हूँ। नाउ मैं इसपे कलर्स सर्च कर रही थी मार्केट में, जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो था ग्रीन कलर, क्योंकि आप अगर इसमें देखेंगे तो सबसे कम जो कलर है वो है ग्रीन। सो कॉन्ट्रास्ट में ग्रीन बहुत खिल के निकलेगा इस सूट पे। सो मैंने परचेज किया एक ग्रीन कलर का प्लेन क्लोथ मटेरियल जो कि है ये। नाउ ये आई एम नॉट श्योर कैमरे पे किस तरीके से दिखेगा, बट ये है शिमर का फैब्रिक। इसमें फैब्रिक में ही काफी ज्यादा शाइन है। सो ये प्लेन सूट है और इसके साथ में मैं पहनूंगी फुलकारी का दुपट्टा। सो ये इस तरह से ये स्टिच होने के बाद में ही इसका लुक एक्चुअली समझ में आएगा, बट मुझे ये कलर ही चाहिए था और मुझे जैसा फैब्रिक चाहिए था वैसा मुझे मिल गया है। मैं इसे फुर्सत से आराम से अच्छे टेलर से सिलवाऊंगी सो दैट एक प्रॉपर पंजाबी लुक आ जाए इसमें सूट में और फिर मैं आपको पहन के दिखाऊंगी ये सूट सिलने के बाद में। इसके अलावा बाकी जो भी शॉपिंग है वो सब भव्या की है। सो मैं वो स्टार्ट करती हूँ, दिखाती हूँ हम भव्या के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। सबसे बड़ी चीज मैं दिखाती हूँ वो है ये बेड। जी हाँ, सो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा एंड इसको खोलेंगे। ये बात मुझे इसकी काफी अच्छी लगी कि इसका कवर है, सो कहीं भी लेके जाना हो तो मैं आराम से इसमें पैक करके लेके जा सकती हूँ। मुझे यहाँ से राजस्थान कैरी करना पड़ेगा अब ये सब। इस तरीके से मॉस्किटो नेट खुल जाता है एंड ओके, सो ये है बेड
इसमें एक अच्छी चीज ये है कि डे टाइम में जब भव्या खेल रही है तब भी मैं इसमें लिटा सकती हूँ उसको आराम से, और यहाँ पे कोई भी खिलौने वगैरह अगर हैंग कर दिए तो वो आराम से उनके साथ खेल सकती है। एंड रात के टाइम पे अगर वो इसमें सो रही है तो इसमें मॉस्किटो नेट है जो आराम से बंद हो जाती है, सो मच्छरों की भी कोई टेंशन नहीं है। सो रात में इस तरीके से बंद करके और वो इसमें आराम से सो सकती है। प्लस ये जो हुक्स हैं, ये जो रॉड है, ये डिटैचेबल है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं अगर तो आप इनको रिमूव कर सकते हैं। ये यहाँ पे इसके बकल्स हैं, ऐसा मैंने ऑनलाइन भी सेम पीस देखा था और मैं सोच रही थी लेने का, लेकिन अगर मुझे ये मार्केट में दिख गया तो मैंने सामने से देख लिया, क्वालिटी मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने ये ले ली। तो बेड के अलावा सेकेंड चीज जो भव्या के लिए मैं लाई हूँ वो है ये क्यूट से हेयर बैंड्स। नाउ अगर आपने भव्या का बर्थडे वाला ब्लॉग देखा हो, फोर्थ मंथ का जो बर्थडे सेलिब्रेशन हमने उसका किया था, उसने पिंक कलर का एक क्यूट सा हेयर बैंड पहना था, मुझे काफी क्यूट लगी थी वो उसमें, एंड इस वजह से हम ये और हेयर बैंड उसके लिए लेकर आए हैं। पहने की कितना वो पता नहीं, क्योंकि उस दिन भी उसने 5-10 मिनट्स रखा और उसके बाद में बस हाथ मारना शुरू, बट अच्छे लगे तो मैं ले आई आगे अंकित की शादी में, अगर वो पहनेगी तो बहुत क्यूट लगेगी। सो ये कलर्स मैं उसके लिए लेकर आई हूँ, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, काफी ज्यादा क्यूट है ये। So, अब बात करते हैं भव्या के कपड़ों की। सो सबसे पहले मैं लाई हूँ ये क्यूट सा पिंक कलर का ड्रेस, ये कुछ इस तरीके से है, ये टी शर्ट है विथ कैप, ये हुडी वाला टी शर्ट है एंड ये पैंट है। नाउ इसका जो मटेरियल है ये विंटर वाला मटेरियल है, ये काफी सॉफ्ट काफी कंफर्टेबल मटेरियल है बच्चों के लिए, जो हल्की सी सर्दी जब आने लगती है तब बच्चों को पहनाया जाता है। सो मैं ये लाई हूँ ट्रैवलिंग के लिए भव्या के लिए, अगर वो एसी वगैरह में ट्रैवल करती है तो उस टाइम के लिए काफी अच्छा है। तो ये एक क्यूट सी फ्रॉक मैं लाई हूँ भव्या के लिए, ये कुछ इस तरीके से है, ये है फ्रॉक, मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगी ये, बहुत ही ज्यादा क्यूट लगी ये फ्रॉक। ये साइज बड़े हैं, जो भी मैं अभी आपको कपड़े दिखाऊंगी ये भव्या की एज से कुछ ज्यादा ही बड़े कपड़े हैं। इसका रीजन ये है कि मम्मी ऑलरेडी उसके लिए काफी ज्यादा कपड़े ला चुकी हैं, जो कि अभी उसको 6-7 मंथ्स तक आएंगे आगे, अभी वो 5 मंथ्स की होने वाली है और अगले 2-3 महीने तक के कपड़े उसके पास काफी ज्यादा है। सो ये जो भी मैंने शॉपिंग की है ये मैंने आगे के लिए की है, लाइक उसको 9-12 मंथ्स या 1.5 साल तक आने वाले कपड़े मैं खरीद के लेकर आई हूँ, बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो रहे हैं उसके कपड़े, बेसिकली भव्या बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है। सो ये ड्रेस बड़ी है, ये आराम से आई थिंक उसको 1-1.5 साल की होगी तब तक आएगी, बट मुझे बहुत क्यूट लगी थी। इसका फैब्रिक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, सो मैंने ये पसंद किया। अगली ड्रेस जो मैं भव्या के लेकर आई हूँ वो बहुत क्यूट है, ये डैडी को भी काफी पसंद आई थी, ये है एक स्कर्ट और टॉप का सेट, ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे रिबन है बांधने के लिए, और ये बलून टॉप्स जो होते हैं ये वैसे वाले हैं। अंदर से इसका जो इसमें जो अस्तर यूज किया हुआ है वो बहुत कंफर्टेबल, बहुत सॉफ्ट है, मैंने मोस्टली यही ध्यान दिया है कि उसको पहनने में कपड़े काफी कंफर्टेबल होने चाहिए, उसको चुभने नहीं चाहिए बिल्कुल भी, अनकंफर्टेबल ना हो। सो ये है टॉप स्काई ब्लू कलर एंड ये है इसका स्कर्ट, सो ये कुछ इस तरीके से है। थर्ड जो ड्रेस है वो ऑरेंज कलर में है, ये टॉप है क्यूट सा डार्क ऑरेंज कलर है एंड इसके साथ में है ये बॉटम, इस तरीके से है ये बॉटम। देन जो भव्या के लिए मैं लाई हूँ ये है अगेन फोर्थ सेट ग्रीन कलर में, ये विथ जैकेट टॉप है, इनर अटैच है इसमें एंड ये इसका बॉटम है, ये खाकी ग्रीन सॉर्ट ऑफ कलर है, ये कलर भव्या के पास अभी तक नहीं था तो इस वजह से हम लेकर आए हैं। फ्रॉक्स वगैरह उसके पास काफी हैं, सो इस बार मैंने कुछ अलग चीजें ली है, मेरा मन है कि उसको हर वैरायटी के कपड़े पहनाऊं, सो इसके लिए इस बार मैं ज्यादा स्कर्ट टॉप्स या फिर इस तरीके के टॉप एंड बॉटम के सेट्स लाई हूँ। नेक्स्ट ड्रेस जो भव्या के लिए मैं लाई हूँ वो अगेन स्कर्ट टॉप सेट है, ये इस पैटर्न में यहाँ से टाई करने के लिए है, सो ये है टॉप एंड ये है इसका स्कर्ट, डार्क मरून में ये शेड है, मुझे ये कलर बहुत पसंद आया एंड भव्या पे ये बहुत सुंदर लगने वाला है कलर, सो ये पीस था नेक्स्ट। इसके अलावा मैं भव्या के लिए जो घर पे पहनने वाले नाइट ड्रेस समझ लीजिए या घर पे पहनने वाले कपड़े होते हैं वो लेकर आई हूँ, उसमें फर्स्ट है ये ऑरेंज कलर में स्ट्राइप्स में,
एंड ये है इसका लोअर, ये ऑरेंज कलर का है घर पे पहनाने के लिए इसे। इसके अलावा येलो कलर में मैं इसके लिए लेकर आई हूँ, ये पीस है प्रिंटेड में एंड ये इसका बॉटम है। नाउ ये पीसेस घर पे काफी कंफर्टेबल होते हैं बच्चों के लिए एंड इनका मटेरियल जो है वो काफी सॉफ्ट है, सो भव्या के लिए काफी अच्छे होंगे ये दोनों पीसेस। के अलावा तीन और नाइट सूट्स मैं भव्या के लिए लेकर आई हूँ, वो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती हूँ बिकॉज वो मैंने अभी भिगोए हैं डिटॉल में, वो अभी इमीजिएट मैं भव्या को पहनाने वाली हूँ कुछ दिनों में, तो मैंने इसलिए आते ही उनको डिटॉल में भिगो दिया था एंड देन अगेन मैं एक बार उसको वॉश कर दूंगी फिर मैं उसे पहनाऊंगी, सो वो मैं अभी वीडियो में नहीं शेयर कर सकती हूँ, मे बी आगे मैं बता दूंगी वो। एंड देन इनके अलावा इसके लिए मैंने घर पे, आगे विंटर्स आ रहे हैं तो घर पे पहनने के लिए पजामास लिए हैं, तीन साइज जो है वो मैंने बड़ी ली है, मरून ब्लैक एंड ग्रे शेड में है ये तीन, ये पहनने के लिए है घर पे, ये काफी सही रहते हैं छोटे बच्चों को बनाने के लिए और आगे सर्दी भी आ रही है तो इनकी जरूरत काफी पड़ने वाली है, सो ये तीन है बड़े साइज में, और अभी पहनाने के लिए ये तीन है जो मैंने छोटी साइज में लिए हैं जिसमें कलर है नेवी ब्लू, देन रॉयल ब्लू है, नेवी ब्लू है एंड ग्रे कलर है, इस तरीके से है। सो ऊपर टी शर्ट्स पहना के घर पे पहनाने के लिए बच्चों के लिए ये काफी कंफर्टेबल है, इनको भी मैं अभी वॉश के लिए डाल दूंगी छोटे वाले साइज को। तो ये थे सारे कपड़ों की शॉपिंग, इसके अलावा लास्ट चीजें जो है वो ये सॉफ्ट टॉयज ले लिए मैंने, ये येलो कलर का रैबिट है, क्यूट सा लगा मुझे, एक्चुअली सॉफ्ट टॉयज से अभी भव्या खेलने वाली तो है नहीं, छोटी है वो इनके लिए, बट मैंने अभी ले लिए हैं एंड जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी सॉफ्ट टॉयज से खेलने लगेगी तब वो ये यूज कर लेगी, बट मैं ले आई अभी फिलहाल। सो एक ये है और एक ये डैडी है जो डैडी ने ले लिया, उन्हें पसंद आया था सो वो ये ले आए हैं। सो ये था आज का वीडियो, ये थी भव्या की छोटी सी शॉपिंग, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। नाउ भव्या की शॉपिंग जो मेनली हमने की है वो राजस्थान में है, इनफैक्ट मेरी और भव्या की जो भी शॉपिंग मम्मी ने की है वो हम यहाँ पे नहीं लाए हैं, वो हम राजस्थान में ही रखकर आए हैं गांव में, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एक महीने के लिए आई थी एंड देन अगेन वो सारा सामान वापस लेके जाना पड़ता तो हम सारा सामान वहीं छोड़कर आए हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखा दूंगी हमने क्या क्या शॉपिंग की थी। इसके अलावा इस चैनल पे आगे बहुत सारा शॉपिंग के वीडियोस और शॉपिंग के ब्लॉग्स आने वाले हैं क्योंकि मेरे भाई की शादी है नवंबर में और हम बहुत ज्यादा शॉपिंग करने वाले हैं उससे रिलेटेड अब, सो स्पेसिफिकली राजपूती चूड़ा पोशाकें, राजपूती बेस, कॉटन सूट्स, लेन देन वाले बेस, साफे, जो मेन्स की जोधपुरी शेरवानी, जितने भी आई थिंक वेडिंग से रिलेटेड जो भी परचेजिंग होती है वो हम अब जयपुर जाके करने वाले हैं, उसी से रिलेटेड मैं, मम्मी, भव्या एंड अंकित हम जा रहे हैं राजस्थान कुछ दिनों में, सो आगे चैनल पे जुड़े रहिएगा, बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं। अगर आपके फैमिली में भी शादी है या आपके किसी फ्रेंड्स रिलेटिव्स में, किसी नोन सर्कल में शादी है तो ये वीडियोस उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाले हैं, मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ शॉपिंग से रिलेटेड कि आप कहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, हम क्या क्या ले रहे हैं शादी में, कैसे पैकिंग कर रहे हैं और जो भी छोटी मोटी चीजें होती हैं, अभी बहुत कुछ प्लान्ड आउट करना है मुझे इसके बारे में एंड एक पूरी वेडिंग सीरीज आएगी आगे, सो चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा सो दैट कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। उसके अलावा यहाँ से हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करने वाले हैं मैं और मम्मी, वो मैं आपको दिखा दूंगी कि हम यहाँ से क्या ले रहे हैं। मुंबई में पोशाकें, बेस या राजपूती ड्रेस वगैरह तो नहीं मिलती है सो वो सब हम यहाँ से नहीं ले रहे हैं, बट यहाँ पे जो 4 मीटर का कपड़ा होता है वो काफी अच्छा मिलता है और आजकल राजस्थान में भी ट्रेंड चला हुआ है कि आप 4 मीटर बेस लेके और उसके ऊपर आप ओढ़ना लेते हैं या डाई करवाते हैं उस तरीके से, तो वैसा कुछ हम देखने जाएंगे यहाँ पे, अगर कुछ पसंद आया तो हम यहाँ से लेंगे, अदरवाइज जो भी सारी शॉपिंग होगी वो हम जयपुर से ही करने वाले हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे चैनल पे। सो चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। आप में से जो भी मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है जहाँ पे मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है अंबिका राठौर के नाम से, जहाँ पे मैं घूमर की वीडियोस बनाती हूँ एंड मैं घूमर डांस भी सिखाती हूँ, मेरे ट्यूटोरियल्स भी हैं वहाँ पे। सो आप में से कोई भी जो घूमर सीखने में इंटरेस्टेड हो वो उस चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, मैं मेरे चैनल का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं अंबिका राठौर के नाम से। सो घूमर जिन्हें भी पसंद है वो मेरा वो चैनल भी देख सकते हैं। उसके अलावा इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आगे बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं। किस तरीके के वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको किस तरीके के वीडियोस बनवाने हैं। मैं जयपुर जाने वाली हूँ शॉपिंग के लिए, सो आप किस तरीके की शॉपिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, किस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे आने वाले वीडियोस से आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो, स्पेशली अगर आपके फैमिली में शादी या कोई फंक्शन है तो शॉपिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए भी।
सो दैट वॉज इट, आज का वीडियो ये था एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. हिट दैट लाइक बटन. आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं ये वीडियो. कमेंट जरूर कर सकते हैं कि आपको किस तरह के आगे वीडियोस देखने हैं. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, खुश रहिएगा एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हम अगर हिस्सा